वफाकी वज़ीर दाखला राणा सनाउल्लाह खान साहब ने आज अपने धुआंधार प्रेसर के अंदर ये बताया है कि गिरफ्तार करने से पहले इमरान खान को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऑडियोज हाल ही में सामने आई हैं, इन ऑडियो से इमरान खान किस हद तक एक्सपोज हुए हैं, क्या मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करने में ये ऑडियोज कामयाब हुई हैं, या आपको लगता है कि मज़ीद अभी एक्सपोज करने के लिए मज़ीद ऑडियोज और मज़ीद वीडियोज़ का आना बाकी? देखिए, ऑडियोज वीडियोज पर डिपेंड करने वाले, मेरा ख्याल है उनको अगर अपना नैरेटिव बिल्ड करना था और इमरान खान साहब के नैरेटिव को गलत साबित करना था या उनकी असलियत दिखानी थी तो इसके तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि और कुछ नहीं हो सका, कानून की हुक्मरानी के वक्त में कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा कहने से बात नहीं बन रही थी, तो अब जाहिर है ऑडियो वीडियो पर मामला आ गया है। मगर मेरा ख्याल है कि देखे ना, ऑडियो आज तो नहीं रिकॉर्ड हुई, कल भी रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑडियोज कब रिकॉर्ड हुई होंगी और ये किसके पास थी और इन पे खामोश क्यों रहे? क्या इनके पास कोई प्लान ए था? क्या वो प्लान ए इंप्लीमेंट हुआ? क्या प्लान ए यही था कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया जाएगा, कंटेम्प्ट करेंगे, कंटेम्प्ट में चले जाएंगे? तो मेरा ख्याल है वो इंतजार करते रहे, कभी फॉरेन फंडिंग का, कभी इलेक्शन कमीशन उनके रेस्क्यू पर आ जाए, कभी और भी चीजें हो जाए, मतलब कहने का कि उन्होंने पूरी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन अब आई थिंक वो नहीं हुए जब इमरान खान तस से मस नहीं हो रहे थे तो अब ये ऑडियोज आ गए हैं। मगर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का एक नैरेटिव बहरहाल बहुत ऊंची आवाज से वो कहते रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आज ये जो बिल्कुल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है उससे हट कर हो रही है और आपको ये बहरहाल मानना पड़ेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं, इतना सोशल मीडिया और ये तमाम सारी चीजें नहीं अपने हाथ में लाते, लेकिन अब जाहिर है चेंजिंग टाइम, सोशल मीडिया सो एक्टिव, इमरान खान साहब मजीद एक्टिव, उसके बाद उनके टाइगर फोर्स है वो एक्टिव, तो मेरा ख्याल है उनका नैरेटिव जरा ज्यादा पुख्ता तौर पर लोगों ने सुना है और ये ऑडियोज पता नहीं कितने लोग अब सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और अगर असलियत एक्सपोज करके ही आपने अरेस्ट करना था तो फिर ये पहले काम शुरू कर देना। ये सवाल हुकूमत से बार बार हुआ, मरियम नवाज साहिबा के प्रेसर में भी ये सवाल पूछा गया साफी की जानिब से कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, वो ये कहती है कि तौहीन अदालत के केस में शुक्र है वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो नहीं चाहते कि किसी हल्के केस में इमरान खान पर हाथ डाला जाए, बल्कि स्ट्रॉन्ग केसेज है, तोशाखाना रेफरेंस है, ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें गिरफ्तार तो हो जाएंगे। ये ऑडियोज मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी के लिए जारी हो रही है, ये पोलिटिकल साख को मुतासर करने के लिए हो रही है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल स्टैचर है वो डैमेज हुआ है इन ऑडियो से? देखिए, ऑडियो जिसके लिए जरूरी है ना, जहां से इमरान खान साहब का एक्चुअल में वोट बैंक है, जहां पे इमरान खान साहब को एक्चुअल में कोई लार्ज कर सकता है, उन क्वार्टर्स में ये आवाज पहुंचाना जरूरी था क्योंकि उनकी जो सिंपैथी थी वो इमरान खान साहब के साथ थी और उनको ये लगता था कि इमरान खान साहब के साथ वाकई ज्यादती हुई है और वो नून लीग से इतनी नफरत करते हैं कि वो नून लीग को वापस पावर में नहीं देखना चाहते, वो पीपल्स पार्टी को भी खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो क्वार्टर्स हैं, ये जो हमारे इदारे के अंदर है, रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, ये क्वार्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली इनको 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 सपोर्ट कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि देखिए, ये आदमी झूठा भी है, इस आदमी ने करप्शन भी की है, इसकी बेगम जो है वो इनको तरगीब दे रही है कि इस्लाम को इस्तेमाल कीजिए। मतलब मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अंदाजा भी है और खबर भी है कि अब उन क्वार्टर्स को ये जताना है कि देखिए, अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिछले 5-6 माह से कैनेडा लाडला है, किसका है, जाहिर है एक सिंपैथी तो है इनको वहां से, एंड वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब रहे और मजीद 5 साल मुकम्मल करें, ये वाले 5 साल भी लें, अगले 5 साल भी लें, तो वो टस से मस वाला जो मामला नहीं हो पा रहा था वो अब इस तरह से तो आप समझती हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज तो हुए इमरान खान साहब? जी, मेरा ख्याल है कि लोगों तक उन मैसेज देर में जाएगा, लेकिन एक्चुअली में जहां से उनको आशीर्वाद आ रहा था या जहां से उनको बचाया जा रहा था, मेरा ख्याल है वहां पे ये आवाज बहुत लाउड एंड क्लियर रिसीव हुई है और इसके बाद मेरा ख्याल है कि सपोर्ट जो है थोड़ी कम भी हुई है, ना होने के बराबर रह गई है। अब जाहिर है अमरीका का दौरा कर रहे हैं, मगर जाहिर है अभी भी, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है ना एक्चुअली में रेहान, वो हो नहीं रहा और जो एक्चुअली में हो रहा है उसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। इतना अंडर रैप्स मैंने पाकिस्तान की सियासत को कभी नहीं देखा, इतना ज्यादा अनसर्टन, इतनी ज्यादा ट्रस्ट डिफिसिट, मतलब किसी को भी नहीं पता इस वक्त, नून लीग को नहीं पता कि क्या गेम इस वक्त, उनको भी खदशा है, इमरान खान साहब को भी खदशा है। इमरान खान साहब का जो खदशा आज उन्होंने जिसका इजहार किया है कि उनके खिलाफ 4 लोगों ने कमरे में बैठकर एक साजिश की है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, ये बहुत सीरियस मामला है। इमरान खान साहब इसको फ्रिवलस तरीके से मियां वाली के जलसे में ना उठाएं, इसको तरीके से इसको तहकीकात कराएं, अगर वाकई कोई ऐसा प्लान कहीं बना है। देखिए, अदम एतमाद का प्लान बनता है, हॉर्स ट्रेडिंग का प्लान बनता है, ठीक है, किसी की जान तक की अगर बात हो रही है और इमरान खान साहब को कोई कत्ल करने के लिए आ रहा है या वाकई बंद कमरों में फैसला हो रहा है, तो इसके लिए वो कोर्ट जाएं, इसके ऊपर कानूनी चारा जोई करें अपने, मतलब वी डोंट वांट टू सी एनी ब्लड
ब्लड लॉस इन दिस कंट्री और स्पेशली नॉट ऑफ अ लीडर ऑफ दैट स्टैचर. तो मेरा ख्याल है मेरा अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स खान साहब की क्वालिटीज की वो अपनी जगह, लेकिन नोबडी वांट्स हिम लाइक डेड. और अगर ये कहीं पे ये साजिश हो रही है तो दिस इज वेरी वेरी सीरियस, इसको सीरियसली लेना चाहिए. वो एक साइफर उड़ा दिया जलसे में, आज अपनी जान का खतरा इजहार कर दिया, पहले भी उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है. तो अगर आपको पता है और आपको यहां तक पता है, आप देखिए ना कितना तजाद है कि वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे निकल रही है, इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारों का ये काम है, तो इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? इमरान खान साहब को कैसे पता है कि चार लोगों ने एक कमरे में बैठ के उनके कत्ल का मुकदमा बना लिया? उनको कैसे पता होता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आ रहे हैं? उनको कैसे पता होता है कि ये अब मुझे ये लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे टेक्निकल बुनियादों पर? कैसे पता होता है इमरान साहब को? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की भी क्या इंटेलिजेंस है वो भी हमें जरा बता दें. और इस मामले को ये तो गालिबन आखिरी पत्ता होगा इमरान खान साहब का कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, उसमें चार लोगों का नाम भी है कि जिन्होंने मुबैना तौर पर उनके कत्ल की साजिश की है. लेकिन सरा मुझे साहब, वो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि इमरान खान साहब शायद लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पर वफाकी दारुलहुकूमत पर चढ़ाई करेंगे. इमरान खान ने आज एक और प्लान सामने रख दिया है कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं. इससे पहले आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजिकली बेहतर होगा इमरान खान के लिए, और क्या वो जेल भरो तहरीक शुरू कर भी सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो अरेस्ट करने वाली बात है ना, जैसे आपने कल भी देखा कि नोटिस जारी हो गए पूरी काबीना को ऑन द वो जो बिजनेस टाइकून के पैसे हैं कि वो कहाँ गए, पूरी काबीना को आपने नोटिस जारी कर दिए जो उस वक्त की काबीना थी, लेकिन इमरान खान साहब को नोटिस नहीं जारी किया. और जाहिर है कि ये तमाम तो चीजें उनके सेकंड इन कमांड या जो उनके फॉलो कर रहे हैं या जो सपोर्ट बेस है उस पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, विच मीन्स कि हम आप तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले तो हम आपको वीक करते हैं. पहले तो आपके जो होता है ना, जैसे गेम ऑफ चेस में आप पहले घोड़ों को मारते हैं, आप पहले प्यादे मारते हैं फिर आप घोड़े मारते हैं, उसके बाद आप जाके चेकमेट करते हैं ना. तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो चेस गेम है, ये चेस बोर्ड पे ये मैच शुरू हो गया है. और इमरान खान साहब को बहरहाल जेल जाहिर है कोई नहीं जाना चाहता, इमरान खान साहब तो कतई नहीं जाना चाहते, और वो कहते तो हैं मैंने बैग पैक कर लिया है और ये कर लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जाना चाहते. और ये जो थ्रेट लेवल्स हैं, और ये देखिए FIA की कार्रवाई में आप ये कह ही नहीं सकते कि वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप नहीं पेश होंगे तो चलान होगा, उसके बाद आप नहीं पेश होंगे फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा. अभी तो वो चले, अगर सिर्फ हिफाजत में लिया गया, अभी बाकायदा तौर पर अरेस्ट नहीं किया गया. और मेरा ये ख्याल है कि बहुत मोहतात रहकर इस हुकूमत को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी भी अगर कोई झलक भी गई ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है या किसी को ऐसे केसेस की बुनियाद पर उठाया जा रहा है जो केस एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि इनके साथ हो चुका है, मेरा ख्याल है बस उससे मोहतात. लेकिन सर, जैसे आपने फरमाया कि हुकूमत तो इनको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन इमरान खान खुद भी गिरफ्तार होना नहीं चाहते हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान आने वाले दिनों में, अब आने वाले चंद दिन के अंदर कोई इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं, वो लोगों को लीड करते हुए सड़क पर निकलें या कोई और ऐसी गलती कर दें जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी का खर्चा हो, क्या इमरान खान साहब चाहेंगे? देखिए इमरान खान साहब बहरहाल पॉपुलर हैं, लेकिन इमरान खान साहब जरा और बहुत ज्यादा उनमें रोब भी है, बहुत ज्यादा वो बहादुर भी बनते हैं, निडर भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब कभी भी फ्रंट मैन नहीं बनेंगे, कभी भी वो लीड नहीं करेंगे. वो चाहते हैं कि उनके आगे मजमा चले, ना कि वो मजमे के आगे चले. तो मजमा जो इकट्ठा करेंगे और ये लेकर आएंगे, और ये देखिए अगर आप इमरान खान साहब पर इस वक्त बाकायदा तौर पर हाथ डाला जाता जिस तरह कोशिश की गई अलग अलग मुकदमात में, तो बहुत ज्यादा बैकलैश आना था, अवामी बैकलैश आना था, फिर इसको कैश कराना था बाकी ने. तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप जिनको जिनके खिलाफ मुकदमा आप प्रूव कर सकते हैं या कम अज कम कोई और इस तरह की बात है, ताकि ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है कि थिंग्स आर बिल्डिंग अप. ये नहीं है कि अचानक से बस इमरान खान उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उस पर बैकलैश आना. तो दिस इज वेरी स्मार्ट मूव. आई डोंट थिंक इट विल गो टू इमरान खान अरेस्ट. आई थिंक मामला तो उससे पहले हो जाएंगे हल, क्योंकि बहरहाल ये आवाम ने, मजमे ने, जत्थों ने तो फैसले नहीं करने इस मुल्क के. जहां ये फैसले होने हैं वहां हो चुके हैं, और जो अब बाकी की कार्रवाई है उसमें कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, कोई उनको विक्टिम दिखाना चाहता है, कोई उनको विलन दिखाना चाहता है, वो मामला तो मेरा ख्याल है बहरहाल जारी रहेगा. और इमरान खान साहब को वैसे ग्रेसफुल एग्जिट तो वो ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रेसफुल एग्जिट मिलेगा नहीं इमरान खान साहब को, और ये है मसला. नहीं तो सर, अच्छा साहब लास्टली होगा क्या अगर इमरान खान साहब को कोई सेफ पैसेज नहीं मिलेगा? तो वो तो बंद गली में होंगे. इस बंद गली से निकलने के लिए क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाइए साइफर के मामले में, असेंबली में वापस आ जाता हूँ. कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असेंबलियों पे जाना एब्सोल्युटली नॉट. तो फिर वो ग्रेसफुल एग्जिट क्या होगा जो इमरान खान साहब लेना चाहेंगे?
देखिए, इमरान खान साहब के पास एक टीम मौजूद है जो कि उनके लिए या उनके बिहाफ पे मामलात को रिजॉल्व कराने की कोशिश करती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को यकीन है कि वो जो टीम है वो इन सब गुफ्तगू जो वो करते हैं, गीदड़, शेर, चौकीदार, न्यूट्रल जानवर, तो ये मेरा ख्याल है कि वो तमाम तर चीज़ों के समझते हैं कि इनके बावजूद वो टीम जो है वो परफॉर्म करेगी और वो टीम उनको बचा लेगी। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त बचाना जरा मुश्किल है। अगर तो आप कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस चाहते हैं, देखिए ना, इस वक्त इमरान खान साहब चाहते हैं इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स कि मार्शल लॉ आते हैं, ठीक है, इलेक्शंस भी हो सकते हैं ना सही, लेकिन ये पावर में ना रहे। और अगर वो ये इस तरह की अगर बात वो कर रहे हैं तो जाहिर है वो जमहूरियत के चैंपियन तो नहीं है ना, जो वो बनने की कोशिश करते हैं, फिर वो आइन की पासदारी तो नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं जिहाद किसको कहते हैं, जिहाद ये क्यों कर रहे हैं? आज ये फिर आज ओथ ले रहे हैं तो जिहाद का जिक्र नहीं है। और कुर्बानियां देनी है, क्या कुर्बानी देनी है? इमरान खान साहब अपनी एक प्राइम मिनिस्टरशिप को तो कुर्बान कर नहीं सकते, पूरी आवाम को कह रहे हैं आपने कुर्बानी देनी है। क्या कुर्बानी देनी है? जान की कुर्बानी देनी है? इसका मतलब है आप चाहते हैं कि ब्लड शेड हो। तो ये मेरा ख्याल है, ये नियत जो है ना इस वक्त इमरान खान साहब की, अगर वो थोड़ी सी ठीक हो जाए तो शायद उनकी बचत हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। तजियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनको इमरान खान के लिए सेफ पैसेज खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान के अहम साथियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कौन कौन शामिल है और क्या आने वाले दिनों में इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे।